मध्य प्रदेश कांग्रेस में 9 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वापस सत्ता दिला सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक की 56 सीटों पर 3 नवम्बर को विधानसभा के उपचुनाव होंगे, जबकि बिहार के साथ 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अभी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव नहीं करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 64 सीटें खाली हैं। इनमें से 27 सीटें मध्य प्रदेश बाईपोल में रिक्त हैं। इधर कांग्रेस में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को अपनी दूसरी सूची में 9 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हाल ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं। इससे पहले कांग्रेस 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें से भी 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी भाजपा में रह चुके हैं और 2 प्रत्याशी कभी भाजपा में रह चुके हैं। इसी के साथ कांग्रेस में कुल 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और इनमें से दूसरे दलों में आए 9 लोग पर दावा लगाया है, जिनमें से भाजपा से कांग्रेस में आए 7 नेता एवं बसपा से आए 2 नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति के बाद पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आज 9 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने किसे उतारा? कांग्रेस ने जोरा सीटों से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से ततीश सिरवकार, पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला, मूंगावली से कन्हैया राम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू, मांघात से उत्तम राज नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बाना एवं सुवासरा से राकेश पाटीदार को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिनमें दिमनी, अम्बाह, गोवद, ग्वालियर, डबरा, भांडेर, करेरा, बमोरी, अशोकनगर, अनूपपुर, सांची, आगरा, हाट पिपलिया, नेपानगर और संवेर शामिल हैं।